हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन विनय इज हियर टू वेलकम यू इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 11th की फिजिकल एजुकेशन की ये क्लास कर रहे हैं और ये 7th भी क्लास है। हमने 6 क्लासेस में पिछली यूनिट को ख़त्म किया था। सेकंड यूनिट हमारी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, फर्स्ट यूनिट हमने खत्म कर लिया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू यूनिट नंबर 3। ठीक है, एक बार सब क्या क्लियर है सारी चीज़ें, बॉयज पीपीटी वेदर ऑल द थिंग्स आर क्लियर, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से फटाफट जल्दी से एक बार बोल दीजिए कि अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग है सबको। चलिए, सो फिजिकल फिटनेस की बात करेंगे आज हम, वेलनेस की बात करेंगे और लाइफ स्टाइल की बात करेंगे। इन तीनों के बेसिक मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। सो बेसिकली दिस चैप्टर विल मूव अराउंड ऑल दीज थ्री पार्ट्स। ये तीन जो एलिमेंट हैं, चाहे फिजिकल फिटनेस की बात करी जाए, वेलनेस की बात करी जाए या फिर लाइफ स्टाइल की बात करी जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी की पूरी यूनिट जो है वो आपकी इन्हीं तीन एलिमेंट्स के, चाहे तो वो कंपोनेंट्स के आसपास घूमती रहेगी, राइट, उनके टाइप्स के आसपास घूमती रहेगी या फिर उनकी यूटिलिटी के आसपास जो है ये पूरी यूनिट आपकी घूमती रहेगी। फिजिकल फिटनेस और वेलनेस किस तरह से चीज़ों को कंसीडर करती हैं, किस तरह से एलिमेंट्स इसके हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फिजिकली फिट, हमें वेलनेस की तरफ ले जाती हैं, हमारी लाइफ स्टाइल को किस तरह से इनकलगेट करती हैं फिजिकल फिटनेस में। ठीक है, चलिए समझते हैं। सो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट टू नो दैट कि ये पूरी की पूरी जो यूनिट हम खत्म करेंगे, थर्ड यूनिट, तो उसमें कौन सारी चीज़ें जो हैं वो हम समझेंगे। तो फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और लाइफ स्टाइल के मीनिंग और डेफिनेशंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के कंपोनेंट क्या हैं, वी विल टॉक ऑन दैट। कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को खत्म करते हुए हमारी ये यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट द मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के मीनिंग को हम लोग जानते हैं, राइट। सो फिटनेस मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग फिजिकली मेंटली फिट विद गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ के साथ अगर हम फिजिकली और मेंटली फिट हैं, तो इट्स एन एबिलिटी टू कैरी आउट द डेली टास्क विद विगरस अलर्टनेस, विदाउट अंडू फटीग एंड विद एम्पल एनर्जी टू एंजॉय द लाइफ। अब इस चीज को समझने की आप कोशिश करें पहले। ठीक है, एक ग्रॉस मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ इसकी, जिससे कि ये सारी की सारी जितनी भी डेफिनेशन है या पॉसिबल डेफिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप हंसते हंसते याद कर लेंगे और आपको रटने की उसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए, द लिटरल मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस इज दैट इफ यू आर एबल टू परफॉर्म ऑल द डेली टास्क विदाउट अंडू फटीग एंड यू हैव अ सम अमाउंट ऑफ रिजर्व एनर्जी टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ रिमेनिंग टास्क और इमरजेंसी टास्क। ठीक है, अगर आप पूरे दिन के काम बड़ी आसानी से बिना थके कर लेते हैं और उसके अलावा भी आप में कुछ एनर्जी इतनी बच जाती है जिससे कि आप अगर कोई इमरजेंसी में कोई टास्क आपको करना पड़े तो वो भी आप कर लें, तो ये स्टेट कहलाती है आपकी फिजिकल फिटनेस की स्टेट। ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? अब इसके बाद इन सब चीज़ों को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। जितनी बातें अभी मैंने कही थी उन्हीं बातों को घुमा घुमा के हम लोग क्या करेंगे, बार बार से डेफिनेशंस बनाने की कोशिश करते रहेंगे बस, और इसमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं है। चलिए हम कुछ और अच्छे वर्ड्स को अरेंज करते हैं और कुछ अच्छी सी डेफिनेशंस इसकी सोचते हैं, कुछ अच्छा सा मीनिंग इसका जानने की कोशिश करते हैं, राइट। सो फिजिकल फिटनेस मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग फिजिकली मेंटली फिट और विद गुड हेल्थ। ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन आप लोग पहले से ही जान चुके हैं, राइट, ये आप WHO वाली डेफिनेशन आप देख लीजिए। ठीक, इट इज एन एबिलिटी टू कैरी आउट द डेली टास्क, ठीक है, विगर अलर्टनेस विदाउट अंडू फटीग एंड एम्पल एनर्जी टू इंजॉय द लाइफ। ठीक है, सेकेंड देखिए, इट कैन बी सेड दैट द फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली, इंजॉय लीजर हेल्दी रेसेस डिजीज, कोप अप विद द इमरजेंसी सिचुएशंस, राइट। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, फॉर द फिजिकल फिटनेस वी रिक्वायर एफिशियंट मोटर मैकेनिज्म, एफिशियंट ऑर्गेनिक मैकेनिज्म एंड एफिशियंट मेंटल फंक्शनिंग। इस बात को आप लोग समझिए, जब हम मेटल यहाँ जब एफिशियंट मोटर मैकेनिज्म की बात करते हैं, मीन्स जो भी फिजिकल टास्क हम लोग करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म की अगर आप बात करेंगे तो इसमें वाइटल ऑर्गेन्स आ जाएंगे, इंटरनल ऑर्गेन्स की फंक्शंस की बात हम लोग करेंगे इसमें।
देन मेंटल फंक्शनिंग, एफिशिएंट मेंटल फंक्शनिंग मतलब आप क्रिटिकली चीजों को सोच पा रहे हैं, ठीक है, मेंटली अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन आप ले पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इस एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, आपने क्रिकेट में फील्डिंग करनी है, राइट? तो फील्डिंग में जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है और ये बॉल एक बैट्समैन ने हिट करी यहाँ से और ये फील्डर के पास जा रही है, ठीक है। अब फील्डर को क्या करना है, यहाँ से एडजस्ट करना है कि बॉल को किस तरह से पकड़े। तो अब यहाँ पे चीजें किस तरह से चलेंगी, जैसे अब इसको फील्ड करके आगे दौड़ के आना है या फिर पीछे हटना है, अगर बॉल आगे है हवा में है तो उसको किस तरह से कैच करना है। तो कैच करने के लिए जो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होगी, राइट, वो क्या आएगी, मोटर मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में किस तरह से आएगी, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म आप इस तरह से समझिए कि उसके लिए जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो स्टूमुलस आपको मिलेगा, जो मैकेनिज्म आपकी मसल्स में अंदर जो होगी इंटरनल मैकेनिज्म, वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, आपकी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में आ जाएगी। देन मेंटल फंक्शनिंग, आपको एंटिसिपेट करना है पूरी तरह से कि बॉल की लेंथ कितनी है, कितनी स्पीड से मैं दौड़ूंगा तो टाइम पे बॉल पे पहुंच जाऊंगा। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी, मेंटल फंक्शनिंग में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सारी, चलिए अब इतनी बात क्लियर है तो आगे समझते हैं। द फिजिकली फिट इंडिविजुअल प्रोसेस द सफिशियंट रिजर्व एनर्जी टू मीट द डिमांड्स ऑफ इमरजेंसी इन विच द पर्सन अनएक्सपेक्टेडली कॉल अपॉन टू परफॉर्म द एक्टिविटीज डिमांडिंग एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ स्ट्रेंथ एनर्जी एंड एडेप्टिव एबिलिटी अंडर अनफॉर्गेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। अचानक से अनफॉर्गेबल इन्वायरमेंट का मतलब कोई भी, अगर आप फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, अचानक से आपको करने के लिए दे दिया। फेवरेबल एनवायरनमेंट आर दोज काइंड ऑफ द एनवायरनमेंट टू हुम यू आर फेमिलियर विद, यू कैन एंटिसिपेट दैट व्हाट काइंड ऑफ द वर्क यू आर गोइंग टू बी डू इन फर्दर और द इन फोर्थ कमिंग टाइम, राइट। अनफेवरेबल एनवायरनमेंट मींस यू डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर इवेंट, दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब डन इन द फोर्थ कमिंग टाइम और नेक्स्ट कमिंग टाइम पीरियड। तो अचानक से जो चीजें हो जाती हैं उनको अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में हम लोग रखते हैं। फिजिकल फिटनेस की अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन कई एक बार कोट करने के लिए जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको देखेंगे। निक्सन की डेफिनेशन है फिजिकल फिटनेस की, दे रिफर्स दैट द ऑर्गेनिक कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म द नॉर्मल डेली टास्क लिविंग विदाउट अनड्यू टायर्डनेस और फटीग, हैविंग द रिजर्व ऑफ द स्ट्रेंथ एनर्जी अवेलेबल टू मीट द सेटिस्फैक्ट्री एनी इमरजेंसी डिमांड सडनली प्लेस्ड अपॉन इट, ठीक है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे उसी के बारे में इन्होंने बात करी है कि आप पूरे दिन का काम करें बिना थके हुए, बिना टायर्डनेस के, बिना फटीग के, और उसके बाद भी आप में इतनी स्ट्रेंथ, इतनी एनर्जी बच जाए जो आपको इमरजेंसी डिमांड को पूरी करने में सक्षम हो, अगर सडनली वो डिमांड आपके पास आ जाती है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू द डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग, मोर ओवर टू प्रैक्टिस इन अ प्लेफुल एक्टिविटीज एंड स्टिल रिजर्व इनफ एनर्जी टू मीट एन इमरजेंसी, राइट। नाउ वी विल मूव और द जम्प ओवर टू द अनदर मीनिंग ऑफ वेलनेस। फिटनेस की बात हमने कर ली, अब वेलनेस को समझते हैं। वेलनेस क्या है एक तरह से, वेलनेस इज द स्टेट ऑफ लिविंग, राइट, स्टेट ऑफ लिविंग विद हेल्दी प्रैक्टिसेस। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, लास्ट में हम लोग जब जाएंगे तो फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, हेल्थ, इन सारी चीजों को फिर दोबारा से इनकलकेट करके कंपैरिजन में समझने की कोशिश करेंगे। आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ दिस क्लास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो वेलनेस क्या है, इज द स्टेट ऑफ लिविंग अलॉन्ग विद द हेल्दी प्रैक्टिसेस के साथ आपने जिंदगी जीनी है। वेलनेस इज द ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड क्रिएटिव एडेप्टेशन एनवायरमेंट इन्वॉल्विंग टू द होल पर्सन। Wellness can be defined as the pursuit of healthy and balanced lifestyle. It is an capacity of an individual to lead the well-balanced life. ये क्या है एक तरह से one-liner definitions आप इनको बोल सकते हो, right? It is made up of the multiple dimensions such as the physical wellness, emotional wellness, mental wellness, social wellness, spiritual wellness, occupational wellness, environmental wellness as well. Now some of the definition we will talk about. The state of living consisting of recognizing the need of physical activities, healthy foods, sleep, as well preventing to the illness and injury, managing to the chronic health condition. Wellness is listening to the taking care of your body for the optimal health functioning. Wellness में क्या करना है आपने, ये भी समझना है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपको clarify कर लेना है कि किस तरह की demand आपकी body की है, because the you are the one who know about best about your body condition, right?
सो द टर्म वेलनेस इंक्लूड ऑल दोज एस्पेक्ट्स विच हेल्प्स टू प्रमोट आ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल इंडिविजुअल थॉट अबाउट द ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स. द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस आर इट लीड्स टू द गुड हेल्थ एज वेल एज बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल. राइट, द अनदर फंक्शन ऑफ दैट द एफिशियंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस आपके लिए जरूरी है. द मेंटेन्स फिजिकल फिटनेस और फिटनेस कॉम्पोनेंट्स इट प्ले की रोल इन इम्प्रूविंग मेंटल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. इम्प्रूव इंडिविजुअल फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल स्टेटस. कंट्रोल ओवर बॉडी वेट. इंक्रीज एनर्जी लेवल. मॉडिफाई स्किन टोन. रिड्यूस स्ट्रेस एंड कल्मिनेट डिप्रेशन. कल्मिनेट का मतलब होता है कम करता है डिप्रेशन को. राइट, हाई एस्टीम